नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा तिवारी जी, अनूप मिश्रा जी, दीपाली यादव, अनूप पांडे जी, दीपाली यादव जी, आप सभी का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कविता जी, पूजा जी, दिलखुश जी, तुलसी जी, दीपाली जी और उजाला जी, रिद्धिका जी और जितेंद्र जी, आप लोगों का कमेंट करने के लिए थैंक यू। और सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो के बाद हम राम भक्ति शाखा में प्रवेश कर जाएंगे कल के वीडियो से। आज चलिए देख लेते हैं प्रेम मार्गी कवियों में जो कुछ भी रह गया होगा। ठीक है, शेख नबी ये जौनपुर में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान पर रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। शेख नबी जहांगीर के समय में वर्तमान थे, ठीक है। और आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि बाबर के समय में कौन से संत कवि वर्तमान थे। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था, इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा था जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। ठीक है, ज्ञानदीप का आख्यान में किसकी कथा है? राजा ज्ञानदीप और देव जो रानी देवजानी। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के अलावा अब आयोग अंदर से भी प्रश्नों को बनाने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है, तो इनका भी जैसे ज्ञानदीप है इनके भी राजा और रानी आपको याद होने चाहिए। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, है ना। यहाँ से क्या होता है, जो प्रेम मार्गी सूफी कवियों की जो प्रचुरता थी, अधिकता थी, उनकी समाप्ति यहाँ से समझी जानी चाहिए। कहाँ से? शेख नबी से, ठीक है। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं। मतलब अधिकता भले ही कम हो जाए, कम लोग लिखें, लेकिन बाद तक समय समय पर कुछ कुछ समय बाद उस शैली में थोड़ी बहुत रचनाएं की जाती रहती हैं, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है, है ना। थोड़े ज़्यादा ज़्यादा गैप लेके, समय के ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस पे, ज़्यादा ज़्यादा समय के बाद हों, लेकिन कविताएं या उस तरह की रचनाएं होती रहती हैं, पर जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता है। मतलब जब तक प्राचुर्यता रहती है तब तक जनता पर बहुत प्रभाव रहता है, या जब तक जनता पर प्रभाव रहता है तब तक प्राचुर्यता रहती है। जब वो कम होने लगता है तो जनता पे प्रभाव भी उसका कम होने लगता है, लेकिन कोई भी परंपरा एकदम से बंद नहीं होती। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेम गाथा परंपरा कहाँ से समाप्त हम समझेंगे? शेख नबी से, ठीक है। हाँ हाँ, कट गया। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई उनका संक्षिप्त में उल्लेख दिया जा रहा है। मतलब ज्ञानदीप के बाद भी जो कहा गया, बताया जा रहा है कि एकदम से कोई परंपरा समाप्त तो नहीं होती, तो ज्ञानदीप के बाद भी जो कुछ थोड़ी बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं आप उनको एक बार संक्षेप में सुन लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। हर चीज़ याद नहीं की जाती, कुछ चीज़ें सुन के समझ के छोड़ दी जाती हैं जो हमारे काम आती हैं, है ना। हर चीज़ याद नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन सुनना हर चीज़ को ज़रूरी है। तो इनको देख लेते हैं कि शेख नबी से जब परंपरा ख़त्म हो गई उसके बाद भी जब कुछ कुछ कविताएं, कुछ कुछ रचनाएं आती रहीं, उनके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। शेख नबी के बाद अगर कहा जाए तो आते हैं कासिम शाह, ठीक है। ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे, ठीक है, और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की एक कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कहानी है। हंस जवाहिर की कहानी है और हंस जवाहिर इसके नायक नायिका हैं। अब आपने ये देखा, ये प्राचुर्यता के बाद का काल है, है ना। तो जब कभी भी इनको क्रम से लगाने को आएगा तो आपको प्राचुर्यता के काल में जो अभी इसके पहले मैंने आपको बताई हैं ये अपने आप उनके बाद ही लगेगा। तो कहीं
वैसे तो आप याद करेंगे, लेकिन कुछ आपको इससे भी आइडिया मिल जाता है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ से इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। हमारे पास मतलब रामचंद्र शुक्ल जी के पास। इन्होंने कवि ने उसमें कवि ने साहे वक्त का इस प्रकार से उल्लेख किया है। आपको पता है कि फारसी पद्धति में जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो सबसे पहले साहे वक्त का उल्लेख किया जाता है। साहे वक्त मतलब जो भी उस समय का शहंशाह होता है। ठीक है, मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु का मन गुण कोई ओही केर बखानु, है ना। मोहम्मद शाह का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो अभी आगे भी सुनेंगे, रीति काल में भी इनका नाम आएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ये दिल्ली के सुल्तान हुए हैं। अभी इसके पहले हमने जहांगीर की बात की। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि इस समय तक संत की प्रेम मार्गी काव्यधारा लगभग समाप्ति की ओर थी, लेकिन पूर्णता बंद नहीं हुई थी, इसलिए ये बाद की रचनाएं हैं। इसमें जो साहे वक्त थे वो मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु का मन गुण एहकेर बखानु छाजय पाठ छत्रास्थिर ताजू नवहि शीश जगत के राजू रूपवंत दर्शन मुख राता भागवंत उहिकीन विधाता दरबंतम धर्म महपूरा ज्ञानवंत खड़ग महासूरा। अपना इन शब्दों में परिचय दिया, ये तो उन्होंने साहे वक्त का परिचय दिया। अब यहाँ पे ये अपना परिचय दे रहे हैं। दरियाबाद मांझ ममठा हूँ अमान अल उल्ला पिता का नाऊ तहवा मोहि जन्म विधि दीना कासिम नाम जाति करहीना तेहू बीच विधिकीन कमीना ऊंच सभा बैठे चित दीना ऊंच संग ऊंच मन भावा तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पाव। ऊंचा पंथ प्रेम का होई तेहिमा ऊंच भर सब कोई। कथा का सार कवि ने दिया है। कथा जो एक सुगुप्त मह रहा सो प्रगट उघारी में कहा हंस जवाहिर विधि अवतारा निर्मल रूप सो दई सवारा बिलख नगर बुरहान सुल्तानु तेही घर हंस भये जस भानु। आलम शाह चीन पतिभारी तेही घर जन्मी जवाहिर बारी तेही कारण वे भयों वियोगी गयों सु छोड़ देश हुई जोगी अंत जवाहिर हंस घर आनी सो जगमा ये गयों बखानी। ठीक है, ये उन्होंने कहानी भी बता दी। सो सुन ज्ञान कथा में कीन्हा लिखा सो प्रेम रहे जग चीन्हा। इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह पर जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं। नूर मोहम्मद ने दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय थे और सब रहद नामक स्थान पर रहने वाले थे जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सब रहद से ये अपनी ससुराल भादों जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का कोई और वारिस ना था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सब रहद में ही रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान है जो सब रहद में और कभी कभी भादों में रहा करते हैं। इनकी अवस्था 80 वर्ष है। बहुत शोध किया था शुक्ल जी ने, देखिए कितना तक उनको जानकारी थी। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान था। सब सूफी कवियों से हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी यानी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कलिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि के प्रथानुसार उस समय शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। अब देखिए मोहम्मद शाह की प्रशंसा कई लोगों ने की है।
और दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा, ये जो बाद का है, जो परंपरा प्रचुर परंपरा के बाद के जो अभी बताए जा रहे हैं, इनमें आपको काव्य का नाम और रचयिता का नाम, उसका सन, नायक नायिका और कुछ पंक्तियाँ विशेष, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। करो मोहम्मद शाह बखानू, है सूरत दिलही सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सबरे सो दुख पावा, बहुते सला तीन जग केरे, आई सहास बने हैं चेरे, सब सब काहू पर दाया धारी, धर्म सहित सुल्तान करई। अभी आगे चल के घनानंद जी के टाइम पे पता चलेगा इन सुल्तान जी की शाही वक्त की, और जिसने इतिहास जान रहे होंगे वो भी इनको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार मान ली है। मन द्रग सो एक राति मझारा, सूझ परा मोहि सब संसारा, देखो एक नीक फुलवारी, देखो तहां पुरुष और नारी, दो मुख शोभा बरनि न जाए, चंद्र सूरज उतरे मुहि आए। वाह, फिर क्या? तपी एक देखे उते ही टाऊं, पूछे उतासो तिनकर नाऊं, कहा अहे राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी, आगमपुर इंद्रावती कुंवर कलिंजर रास, प्रेम होते दोनों ही का दीना अलग मिलाए। ठीक है, कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पांच पांच चौपाइयों और के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। अब दो खास बातें इस लाइन से आपको मिल रही हैं, वो दो खास बातें क्या है? जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पांच पांच चौपाई के बाद में एक दोहे का रखा है। जायसी ने सात दोहों के बाद एक चौपाई रखी थी, है ना? अभी आप मुझे दूसरे प्रश्न में ये बताएंगे कि जायसी के साथ में एक कवि और मैंने बताए थे जिन्होंने सात चौपाइयों के बाद एक दोहा रख कर बिल्कुल जायसी का अनुसरण किया था, आप हमें उनका नाम बताएंगे। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना? क्योंकि पूछ दिया जाता है इस तरह का प्रश्न। इनका एक और ग्रंथ फारसी के अक्षरों में मिला है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। ठीक है, यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है जो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। जहाँ पे कुछ खास होता है उस चीज को दिमाग में रखा करिए, अनुराग बांसुरी की जो भाषा है ये अन्य सूफी रचनाओं से कहीं अधिक संस्कृत गर्भित भाषा है। अब अगर किसी सूफी मुस्लिम रचयिता ने इसको लिखा है तो ये इस पुस्तक की एक खास बात होगी और आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, मतलब इसका इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मुसलमानों का भाव क्या था हिंदी भाषा के लिए। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम्ब भी सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें ये सफाई देने की जरूरत पड़ी। देखिए क्या सफाई देते हैं, और ये इनकी सफाई आप अपने मन से में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। जानत है वह सृजनहारा, जो 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 किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग में पावन राख्यूं, काजो भाषा हिंदी भाख्यूं, मन इस्लाम मेरी कले मांजेऊ, दीन जेवरी कस कस भांजेऊं, जहां रसूल अल्लाह पियारा पियारा, उम्मत को मुक्तावन हारा, कहां दूसरो दूसरो कैसे भावे, जच्छ असुरसुर काज ना आवे। तो देखिए इस तरह से उन्होंने भले ही संस्कृत गर्भित लिखी अनुराग बांसुरी को, लेकिन उन्होंने सफाई भी दी अपने मुस्लिम भाइयों को कि मैं बहुत ज़्यादा संस्कृत गर्भित भाषा भले ही लिख रहा हूँ लेकिन हिंदू मग में पाव रखने की, हिंदुओं के रास्ते पे पैर रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये सफाई उन्होंने स्पष्ट दी है, ध्यान रखिएगा। इसका तात्पर्य ये है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे।
1800 तक आते आते, 1800 तक आते आते, उसके पहले नहीं थे, उसके बाद हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। और आगे आप जानते हैं उर्दू और हिंदी का काफ़ी विवाद भी रहा। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद ने के इस कथन से मिलता है। मतलब उस समय तक उर्दू का अपना कोई साहित्य नहीं था। कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखें पर आवा, छाणी पर पारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बातें। ठीक है, अनुराग बासुरी का रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और इस विषय का भी तत्व ज्ञान संबंधी और इसका विषय भी सॉरी तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक यानी एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी गई है। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर वे सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक और एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। अनुराग बासुरी में यहाँ आपको कई सारी विशेषताएं मिल रही हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी रचना भले ही किसी मुस्लिम रचयिता ने की, पर इसको पांडित्यपूर्ण रखने की कोशिश की गई। ये इसमें संस्कृत गर्भित ये ग्रंथ अधिक संस्कृत गर्भित था और इसमें शरीर जीवात्मा मनोवृत्तियों को लेकर पूरी मतलब पूरा रूपक बनाया गया इसमें, और चौपाइयों के बीच बीच में दोहे नहीं रखे गए हैं, बरवे रखे गए हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और भी प्रयोग पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया गया है। इतनी सारी विशेषताएं अनुराग बासुरी की आपने देख ली, ध्यान में रखिएगा। नगर एक मूर्तिपुर नाऊं, राजा जीव रहे तहीं ठाऊं, का बरनो वह नगर सुहावन, नगर सुहावन सब मन भावन, इहे शरीर सुहावन मूर्तिपुर, इहे जीव राजा जीव जाहु न दूर, तनुज एक राजा के रहा, अंतःकरण नाम सब कहा, सौम्यशील सुकुमार सयाना, जो सावित्री स्वांत समाना। अब आपको पढ़ के खुद एहसास हो रहा होगा, सरल सरन जो सौ पग धारे, नगर लोग सूधो पग परे, वक्र पंत जो राखे पाऊं, वह अवध सब होई बटाऊं, रहे संगाती ताके पत्तन ठाव, एक संकल्प विकल्प सो दूसर नाम, बुद्धि चित्त दुई सखा सखेरे, जगत बीच गुण अवगुण देखे, अंताकरण पास नित आवे, दर्शन देख महासुख पावे, अहंकार तहीं तीसर सखा निरंतर, रहू चारि के अंतर नै सुख अंतरा, अंताकरण सदन इक रानी, महामोहनी नाम सयानी, बरन इक न परो सुंदरताई, सकल सुंदरी देख लजाई, सर्व मंगला देखी असी से, चाहे लोचन मध्य बई से, कुंतल जारत फंदा डारे, लखन चितवन सो चपला मारे, अपने मंज रूप वहदारा, रूप गर्विता जगत मझारा, प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्विता भई प्यारी, सदा न रूप रहत अंत नसाई, प्रेम रूप नासई ते घट जाई। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ता है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे, अतः वे इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। ये बासुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जही होई,
निसरत नाद बारुनी सादा सुन सुध चेत कहे कही ना खाथा। सुनते हैं यह सबद मनोहर होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। यह मोहम्मदी जन की बोली जामे कंद नबाते घोली। बहुत देवता को चितारे बहुमूर्ति औंधी होई परे। बहुत देव हरा ढाई गिरावे शंख नाद की रीति मटावे। ए इस्लामी मुख सो निसरी बात तह सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। सूफी आख्यानों काव्य सूफी आख्यान काव्यों में खंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी अखंडित काव्य परंपरा की समाप्ति यही मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि नहीं हुए केवल हिंदू मुसलमान कवि ही हुए हैं। केवल एक हिंदू कवि मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय नल दमयंती नामक कथा लिखी थी। इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। ठीक है, साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुखी कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेखनीय है। यहीं से आपकी प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा समाप्त होती है। अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे राम भक्ति साखा की। ठीक है, अभी मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूँ कल जो पूछे गए थे। चलिए, कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। दूसरा आंसर, मृगावती का नायक चंद्रनगर के राजा गणपति देव का राजकुमार और नायिका कंचनपुर की राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती है। तीसरा उत्तर, जैसी सूफी फकीर सेन मोहिनी यानी मोहिनुद्दीन के शिष्य थे। चौथा उत्तर, जैन कवि बनारसी दास ने मृगावती और मधुमालती का वर्णन किया है। आखिरी उत्तर, मधुमालती का उपनायक और मधुमालती में उपनायक और उपनायिका की कल्पना की गई है। ठीक है, आज के दो प्रश्न मैं बीच में पूछ चुकी हूँ आपसे, वो उस समय मुझे याद आए थे तो मैंने पूछ लिए थे। अभी आप ये बताइएगा, जायसी ने अपने पद्मावत में किस साहेब वक्त की प्रशंसा की है। ठीक है, और जायसी ने अपने पद्यों में किन चार काव्यों का उल्लेख किया है ना। जायसी ने अपने काव्य पद्यों में, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसमें से दो प्राप्त हैं और दो अप्राप्त हैं, और बहुत अच्छे से बताया था मुझे मैंने उनके चारों के आपको नाम बताने हैं। और मोहे हंसे से की कोहराही है ना, मोहे हंसे से की हंसे से कोहराही, ये किसने कहा था और किससे कहा था। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आप सभी का मेरे साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उसमें कैसे आप लोग कंजूसी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ये आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत